दोस्तों अभी अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा मैट्रिक का रिजल्ट चेक करने का लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। अब आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको रिजल्ट चेक करना है जिसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए बिना देरी के आज के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको मैट्रिक का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। उसके बाद सर्च बार में सर्च करना है ऑनलाइन हेल्प्स 2-3। जिस प्रकार से ऑनलाइन हेल्प्स 2-3 लिख करके यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं, इसी प्रकार से आपको भी ऑनलाइन हेल्प्स 2-3 लिख करके सर्च करना है। जैसे यहाँ पर आप ऑनलाइन हेल्प्स 2-3 लिख करके सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला वेबसाइट ओपन होगा। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से भी आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहां पर आप नीचे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2024 का ऑप्शन मिलता है। इस वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट सबसे पहले ऐसे चेक करेगा, इस वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर भी बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2024 का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। या यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट वाले कैटेगरी में भी आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2024 का ऑप्शन मिल जाता है। रिजल्ट वाले कैटेगरी में भी बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2024 का ऑप्शन मिल जाता है। तो इन सभी में से किसी एक जगह पे आप क्लिक कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला आर्टिकल ओपन होगा जहाँ पर आप देखेंगे तो रिजल्ट से जुड़ी सारी जानकारी को हम बता दिए हैं। तो यहाँ पर आकर के आप पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे को स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में इस प्रकार से एक ऑप्शन मिलता है डायरेक्ट लिंक टू चेक एंड डाउनलोड रिजल्ट का। उसके सामने यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 लिंक दिया गया है, आप किसी तीनों लिंक में से एक लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जो तीनों लिंक दिया गया है वो सारा लिंक एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर आप किसी भी लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर लिंक 1 पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से रिजल्ट चेक करने वाला पेज ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले रोल कोड इंटर करना है, उसके बाद रोल नंबर इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड मिल रहा है इसी अनुसार यहाँ पर आपको कैप्चा कोड इंटर करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 2+9 मिल रहा है, तो 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, तो यहाँ पर हम 11 फिलअप करेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको अपना रोल कोड इंटर करना है, रोल नंबर इंटर करना है, कैप्चा कोड इंटर करना है, उसके बाद सर्च रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सर्च रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका मार्कशीट शो हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका मार्कशीट ओपन होगा जहाँ पर ऊपर में दिया गया रहेगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना रिजल्ट एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024। उसके बाद यहाँ पर आपका यूनिक UID दिया गया रहेगा, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम दिया गया रहता है, यहाँ पर फादर्स नेम दिया गया रहता है, उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम दिया गया रहता है, यहाँ पर आपका रोल कोड रहेगा, उसके बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, और नीचे में आपका मार्क्स का डिटेल्स दिया गया रहेगा कि आपका किस सब्जेक्ट में कितना अंक प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपका रिजल्ट का डिवीजन शो करेगा, यहाँ पर आपका टोटल मार्क्स दिखाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों का रिजल्ट चेक करने के लिए लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है जहाँ पर जाकर के आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर सभी स्टूडेंट का ब्लैंक शो कर रहा है, कुछ ही देर में यहाँ पर सभी स्टूडेंट का मार्क्स शो करने लगेगा। तो इस प्रकार से इस वेबसाइट पर आकर के आप लोग अपना रिजल्ट चेक करते रहिए। जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा यहाँ पर आप लोगों का सारा डिटेल शो करने लगेगा। अभी फिलहाल रिजल्ट को जारी नहीं किया गया है, सिर्फ लिंक को एक्टिवेट किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आर्टिकल ओपन हो रहा है। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट चेक करने का कम्प्लीट प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।